स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप लैंग्वेज चेंज करेंगे, ये मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेटिंग पर करेंगे, फिर यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज, आपको काफ़ी लैंग्वेज आपको यहाँ मिल जाता है, किसी भी लैंग्वेज को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी पर क्लिक कर दिया है मैंने। उसके बाद सेट डिफॉल्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप इसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं चेंज हो चुका है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हटाना हो उस पर क्लिक करके आप इसे हटा भी सकते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश को रिमूव कर रही हूँ, उस पर क्लिक कर देंगे और इंग्लिश जो है रिमूव हो चुका है और हिंदी तो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। तो इस पर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज को। फिर से आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना, उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर फिर से इंग्लिश लैंग्वेज चेंज करेंगे, इंडिया पर क्लिक करेंगे और सेट टू डिफॉल्ट पर क्लिक करेंगे और देखिए इंग्लिश लैंग्वेज चेंज हो चुका है। एडिट पर क्लिक करके आप चाहे तो हिंदी को रिमूव कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे, ऐड रिमूव पर क्लिक कर देंगे, हो चुका। तो इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं और इंग्लिश यहाँ पर जो है लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।